लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल के पास होने के खिलाफ आरजेडी सड़क पर उतर आई है। नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के खिलाफ आरजेडी धरना प्रदर्शन कर रही है। इस पर बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने जमकर निशाना साधा है। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि आरजेडी के पास कोई ना कोई वजह नहीं है और ना कोई काम है और कोई एजेंडा भी नहीं है, इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि एनआरसी से देश को नया आयाम मिलेगा और एनआरसी कानून लोक कल्याणकारी कानून है। कांग्रेस ने भी इसे बनाने का प्रयास किया था लेकिन उनमें साहस नहीं था, हम लोग सिर्फ कानून में संशोधन कर चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं। बता दें कि आरजेडी के इस धरने को महागठबंधन में शामिल आरएलएसपी, हम और वीआईपी ने भी समर्थन दिया है। तेजस्वी इस धरना का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत आरजेडी के कई विधायक भी इस धरने में शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि एक बार फिर आरजेडी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने नारे फूंक रही है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एनआरसी और सीएबी के मुद्दे को पूरे तरीके से उछाला जा रहा है। अब देखना है कि यहाँ पर बीजेपी नेता किस बयान पर आरजेडी की तरफ से क्या जवाब आता है। एलडी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।